जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं भी कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिला के गमरिया प्रखंड भाग वन में हूँ, ऊपर बेड़ा में, जहाँ पर शहीद रतिलाल महतो जी का यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है। और यहीं पर जयराम महतो जी भी यहाँ पर आने वाले हैं माल्यार्पण करने के लिए। साथ ही यहाँ पर जेबीके से संगठन में कई जो लोग हैं वो यहाँ पर सदस्यता ग्रहण भी करने वाले हैं, जिसको लेकर के जनसंबोधन भी होने वाला है। अब यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रताप महतो जी, सबसे पहले दादा जोहार और स्वागत करते हैं की धरती में आपका जितेंद्र बाबू स्वागत। अच्छा दादा, अभी यहाँ पर हम लोग हैं मजदूर नेता वीर शहीद रतिलाल महतो जी का यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा दादा कि मतलब कहाँ के हैं और किस तरीके का जो इस प्रकार से लोगों के बीच रहे हैं। ये मजदूरों के मसीहा थे और संघर्ष इनका रास्ता था। आज संघर्ष के बदौलत इनकी एक तो क्या बोलेंगे निर्मम हत्या कर दी गई साजिशों के तहत कुछ व्यक्तियों द्वारा, कि अगर इनको हम रास्ते से हटा देते हैं तो ये पूरा जितना है मेरे अंदर में हो जाएगा, तो नाकामयाब रहा और हो नहीं पाया। और इनके बारे में मजदूरों के लिए पूरे का अवतार थे, ये हक की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटे। गोली खाना पसंद कर लिया लेकिन पीछे नहीं हटे, अपने कर्तव्यों से कभी अपना मुंह नहीं मोड़े। और इनका एक तो बहुत अच्छा लाइन था कि खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, ये इनका स्लोगन था। तब अब इस क्षेत्र में कार्य वगैरह कैसा अभी चल रहा है? देखिए, इंडस्ट्री बेल्ट होने के कारण यहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत नियमित मतलब असीमित मात्रा में हम लोग को झेलना पड़ रहा है। अच्छा। और इस पर कोई रोक टोक नहीं है, इनके लिए बहुत बार हम लोग संज्ञान भी दे चुके हैं। और कुछ दिन के लिए लिपापोती होता है, फिर जीव को तीव्र हो जाता है। यहाँ पर विस्थापित ज़्यादा है और तो फिर विस्थापित है तो फिर उनको फिर काम वगैरह नियोजन, ये अभी फिलहाल क्या है आइडिया के रिलीजन में है ये जितना एरिया है। ठीक है, हम लोग को आज से 35 से 40 साल पहले विस्थापित किया था रापचा में। तो वहाँ क्या था कि जिस हिसाब से ज़मीन का बंटवारा हुआ था, मान लीजिए एक घर में पांच भाई है, ठीक है, और उनको एक कट्ठा ज़मीन दे रहा, तो पांच भाई का सर्वाइवल कैसे हो। इस चीज़ के हम लिए हम लोग केस भी किए और डिग्री भी हुआ, और इन्हीं महानुभव हम लोग करवाए थे डिग्री कोलकाता से, कोर्ट से हम लोग डिग्री भी हो चुका। इस हिसाब से हम लोग यहीं पर रह गए। कानूनी लड़ाई भी वो लड़ते हैं? हाँ, सब टोटल इस क्षेत्र के एक जाने माने हस्ती थे। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं इनका जन्मतिथि 3 जनवरी 1949 और पुण्यतिथि 13 जुलाई 1999। ये कौन सा जगह की, कौन से गांव के रहने वाले? ये ऊपर बड़ा का ही है, ऊपर बड़ा यहीं के। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है, ये क्या यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है? जैसे पंडाल यहाँ पर बन रहा है, तो उधर दिखाइएगा, उधर पंडाल बन रहा है, ये पंडाल यहाँ पर बन रहा है, तो क्या कार्यक्रम क्या है यहाँ पर? मूल्यता दादा का 4 दिन का दौरा है यहाँ पर, और 4 दिन का दौरा में काफिला आते हुए यहाँ मैदान में रुकेगी। यहाँ पर कुछ आदमी सदस्यता ग्रहण करेंगे जेबीकेएसएस में सम्मिलित होने के लिए, और कुछ यहाँ से सब टीम एकत्रित होगी, जितने भी हमारे प्रमंडलीय टीम है सब यहाँ से एकत्रित। और जो शेड्यूल है, जब जयराम दा आएंगे तो उनका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी कार्यक्रम होता है। और अभी हम और भी जगहों पर अभी जाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ भी कभी जो है जानकारी मिलेगा। तो एक बार थोड़ा सा टिश्यू आप थोड़ा सामने से जा करके देख लीजिए। मजदूर नेता वीर शहीद रतिलाल महतो अमर रहे, जन्मतिथि 3 जनवरी 1949, पुण्यतिथि 13 जुलाई 1999, ये आप लोग देख पा रहे हैं। और इधर जो है पंडाल इधर बन रहा है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जोहार, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद जोहार। जोहार झारखंड, जय झारखंड।